ये गोर्दन ने लगा ने गेटी आती ने हड़के जानी बेटा आवाज लगी रे आवाज में थोड़ी जाए नहीं जाता लाइट लाइट चले जल्दी आ गया है लाइट और बैठ के भी मिल जाओ चलो नारी चलो नारी बड़ो है हाथ भी हाथ बहुत काला ढेर नहीं बन रहा है यो जो रे नमस्कार दोस्तों, आज हम राजसमंद जिले के पिपड़ा गांव के देवपुरिया कस्बे में आए हैं। यहाँ पे एक सांप होने की सूचना मिली है। ग्रामीणों ने बताया यहाँ पे एक छोटे से बच्चे जिसकी उम्र जिसका नाम प्रदीप है और क्या उम्र है उसकी? चार साल का एक बच्चा है जिसके कहाँ पे काटा उसका? पैर के अंदर सांप ने काटा है। और उस बच्चे को अभी पहले ये मंदिर लेके गए थे, फिर मेरे पास में खोला है तो मैंने उनको हॉस्पिटल भेजा। अभी हॉस्पिटल लेके गए, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोबरा प्रजाति का सांप है, उसका हम किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं। हमारे साथ में आप जुड़े रहिए और देखिए। एक और वाली पड़ी है बैग में, फोल्डिंग वाली। मैंने सांप को डरने लगे और एक लेडीज ने भाव एक दबा के हाथ छोड़ 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 कटाई हो गई कर। नहीं नहीं आप और आप सिस्टम पकड़ोगा। मनील अने पाछे पाछे चल जाओ। हाँ दिख जाएगा दो में। क्योंकि मैं सांप पकड़ा पचे बाद में फोन करो ठीक है। हीड़जी नंबर भी को सांप पकड़ेगा बना फोन मत करो। हाँ टूटे के दिन। हमारी बात सुनो, आप ही जनटे में शुरू रेस्क्यू चालू की तो वनटे में मैंने क्यों फावड़ो लेना हो? फावड़ो ले आओ यार। कहो वो तो आगे अटक गयो। आने दो हम चाह रहे आए इधर। आप थोड़ा सा पीछे पीछे चले जाओगे ठीक रहेगा। चुया पकड़ लाइट ने मंडे मत हिलाओ यार। हिलो बड़ी लाइट ऊपर रहे हो। एक काम करो, लोहा वाली साबल कटे बल्लो आणि पत्थर ने ऊंचो करना पड़ेगा। लो एक जना आजो वास्ते क्यों फावड़ो भी नहीं लाया है? नहीं लावे यार।
नहीं अंडे 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 नीचे यानी यानी पत्थर नीचे बस खींच ले विकास, हे जोर से खींच, आराम से खींचना, मैं खींचू कोई या स्टिक ले, या ले यार, या काम दिन में वीडियो स्टार्ट है, वीडियो स्टार्ट है ना, यू करो वहां पे ले, अरे थोड़ा दूर दूर हो जाओ ना आप सब, दूर हो जाओ। ये कोबरा प्रजाति का सांप है, कभी भी ध्यान रखना, मैंने जैसे पकड़ा इस तरीके से आप देख तो रहे हो, कभी इस तरीके से पकड़ने की कोशिश मत करना। थोड़ा यहाँ ला भैया, उधर जाओ थोड़ा सा, यहाँ ले जाओ लाइट में, थोड़ा उधर चले जाओ, उधर चले जाओ आप, उठ जाओ ना, इसलिए कह रहा हूँ। कुछ खा रखा है इसने, उसके अंदर से कैप्चर होगा, फोटो खींचता रहे साथ में। अभी के वो वहां से भाग रहा था, उस समय अपने को पहले से नाली पैक करनी थी आगे से, ताकि अंदर नहीं जाता। एक कॉपी का कुछ गत्ता वगैरह ऐसा है क्या अपने पास, पुरानी कॉपी का गत्तो? ये राजस्थान की चार जहरीली प्रजातियों में से एक सांप है, इसको कोबरा कहते हैं। अरे वरना उनको देखने दो, देखो फिर वो चिल्ला रहे वहां। हाँ ये कोबरा सांप है, सबसे पहले किसने देखा था? एक और छोटा बच्चा कौन था उनके साथ में? सुनील, सुनील का है, सुनील आ इधर आ, गत्ता गत्ता लेने को गया क्या? गत्ता गत्ता नहीं बोला, तो मैसेज लगा सुनील तेरा नाम है, तूने देखा था इसी सांप को? कैसे देखा था? दर में कि बिल में? हाँ दर में। कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी। आप देख सकते हैं ये छोटा बच्चा है सुनील, ये बताएगा कैसे क्या हुआ था तेरे दोस्त के साथ में। दर में सांप उसको काट लिया, दर में से सांप ने उसको काट लिया। तूने देखा था सांप को? यही सांप था या कोई दूसरा सांप था? यही था। वो तेरा दोस्त ही है जिसको काटा वो? नहीं मैम। हाँ वो क्या लगता है वो जिसको काटा उसने?
जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कोबरा सांप को हमने इस प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर लिया है और हम इस डिब्बे के छेद कर रहे हैं ताकि इसको ऑक्सीजन मिलता रहे। अभी सांप को हम जंगल में छोड़ने से पहले एक बार हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्योंकि वहां से डॉक्टर का फोन आया कि सांप को हमें दिखाया जाए। तो एक बार हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और इसको हम किस तरीके से जंगल में छोड़ते और उस बच्चे की क्या हालत है जो हम आपको इस हमारी वीडियो के जरिए आपको दिखाई जाएगी। देख सकते हैं हमारे टीम मेंबर विकास खांडेला, अनिल गहलोत और ये अभी हम राजसमंद के आरके राजकीय चिकित्सालय में आ चुके हैं। अब देखते हैं आज अंदर क्या सिचुएशन है। तो डॉक्टर साहब है कि नहीं अंदर? हाँ, और वो दुर्गा सी अंदर मैंने कहा कि हम उधर ले जा रहे हैं। ये लेना है और ये लेना है अंदर अंदर आगे से बना इधर अंदर सुरेश जी और यो ये इंडिया है ये सर ये कोबरा सांप है। अरे नहीं निकलेगा थोड़ा नहीं निकलेगा बेटा तुम देखे हो आपको फोटो भेज तो दिया था बच्चे को ये तो नहीं कहा सांप ने काटा ऐसा मत कहना कुछ भी ऐसा दिमाग में ये नहीं रखना कहीं नहीं होगा गुड्डू कुछ नहीं होगा हो जाएगा सुबह तक सही हेलो फ्रेंड्स ये अब हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। अभी सांप को हम जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। कोबरा सांप न्यूरोटॉक्सिस पॉइजन है दोस्तों। कोई भी वन्य जीव अगर इस तरीके से बाइट कर ले तो आप मंदिर के चक्कर में नहीं पड़े, एक बार सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। मंदिर वाला काम रखिए आप, लेकिन बच्चे को मंदिर में ले जाना ज़रूरी नहीं है। एक बार आप हॉस्पिटल पहुँच जाइए, उसके बाद बच्चा सही हो जाए, उसके बाद में आपके मंदिर की जो भी कार्यविधि है वो आप ज़रूर करें, हम उसके लिए कोई मना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने देखा अभी हमने कोबरा सांप का रेस्क्यू किया था। तो उसके बाद में उस बच्चे की थोड़ी हालत गंभीर बताई जा रही है, डॉक्टर से भी हम मिल के आए हैं और अब इस सांप को हम सुरक्षित जंगल में छोड़ना है। देख सकते हैं दोस्तों, वन्य जीव कोई भी हो, चाहे किसी प्रकार की घटना क्यों ना घट जाए, अगर ऐसा भी हो जाए कि कभी आपके सांप ने अगर काट ले तो सांप को मारे नहीं, मानवता के नाते उस सांप को अपना धर्म होता है उसे बचाने का। तो आपके स्थानीय क्षेत्र के वन विभाग या रेस्क्यू टीम को संपर्क करें ताकि समय रहते इंसान और जानवर दोनों की जान बचाई जा सके। और इस तरीके कोई भी स्नेक बाइट होता है तो आप सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। देख सकते हैं सांप पैर मर गया रह गई। नहीं नहीं वो तो उसको ऊपर की तरफ आ रहा है, वो तो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है, उसको पता नहीं है कभी जमीन उसको अपन छोड़ रहे हैं। अभी निकलेगा तब तो एकदम स्पीड से भागेगा। दो मिनट छोड़ दे दूसरी पूरी दुनिया से माने ये देख सकते हैं दोस्तों, कोबरा सांप काफी गुस्से में है। ये जा चुका है सांप जंगल में।